हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है ना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के, ठीक है ना। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, सीता 1 घंटे में 1 पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। 2.4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। क्वेश्चन कहता है सीता 1 घंटे में कोई पुस्तक है, उस पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ लेती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि 2.4 घंटे अगर सीता उस पुस्तक को पढ़ेगी तो वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा, बस यही बताना है आपको। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीता 1 घंटे में 1 पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है 1/3, ठीक है ना। अब 1/3 का कितना लिखना है, 2.1/4। अब इसको आपको हल कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/3 लिखना है, का मतलब गुना चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए 4 × 8 मतलब पूर्णांक तोड़ देना है, 4 × 8 8 × 1 9, ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 4। अब देखिए कट जाएगा यहाँ से कोना कोनी, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो देखिए इस तरीके से क्या आ जाता है, यहाँ से 3 × 3 ऊपर में और 4 × 4 नीचे में, 3/4 इस तरीके से आ जाता है। ये भाग यहाँ पर लिख देना है, इतना भाग 3/4 भाग पढ़ लेती है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः 2.1/4 घंटे में सीता पुस्तक का 3/4 भाग पढ़ेगी, बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए इसमें कहता है, शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को 1 पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो है ना, क्या कह रहा था देखिए कि शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को 1 पंक्ति में लगाती है। इस तरीके से 1 पंक्ति में 6 पौधे लगा देती है। और देखिए 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा ये क्रमागत हुआ, तो इसका बीच का जो दूरी है ना कितना है, 2/3 मीटर। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी बीच का दूरी क्या होगा, तो 2/3 होगा, इसका भी 2/3 होगा, इसका भी 2/3 और इसका भी 2/3 मीटर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ कितना दूरी हुआ, 2/3, फिर यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, 2/3, फिर 2/3, फिर 2/3, फिर 2/3। तो इस तरीके से आप 2/3 जितना भी दिया हुआ है सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, या फिर अलग तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी क्या है। देखिए ये पहला पौधा, ये दूसरा पौधा, तो ये दोनों क्या है, क्रमागत है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये क्रमागत है, क्रमागत इस तरीके से है। तो देखिए 2 क्रमागत पौधों के बीच का दूरी क्या है, 2/3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2/3 और मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम एवं अंतिम, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम लोग 5 जो दूरी है तो 5 से गुना कर देंगे 2/3 के साथ, मतलब 5 को 2/3 के साथ गुना कर देना, या फिर आप 2/3 को 5 बार जोड़ के रूप में लिखिए और उसको जोड़िए, वैसे भी आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 2/3 को 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 दूरी है। देखिए यहाँ से पहला दूरी, दूसरा दूरी, तीसरा दूरी, चौथा दूरी, ये 5वां दूरी, 5 दूरी है, तो यहाँ 5 से हम लोग गुना कर देंगे 2/3। अब यहाँ पर हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 × 2 = 10,
10 हो जाएगा ऊपर में, नीचे एक है लगा सकते हैं एक, ठीक है ना, 3 × 3 नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना भिन्न के रूप में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भिन्न के रूप में आ गया 10/3। इसको आप जो है ना भाग लगा के मिश्रित भिन्न के रूप में, मतलब इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। देखिए 10 को अगर आप भाग लगाते हैं 3 से तो कितना हो जाता है, 3 × 9 एक बच जाता है। तो इसको अगर आप पूर्णांक में सजाना चाहते हैं तो कैसे होगा, यहाँ 3 लिखना होगा ये वाला भागफल, और ये शेषफल चल जाएगा ऊपर, और ये वाला भाजक आपका आ जाएगा नीचे। इस तरीके से देखिए 3 × 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1/3 मीटर, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है लतिका 1 घंटे में 6.2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, वह 2.3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में लतिका द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 6.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.2 किलोमीटर। देखिए 1 घंटे में इतना चलती है तो इतना घंटा में कितना चलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग 2.3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 2.3, ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखना है, उसके बाद गुणा कर देना है। यहाँ पर देखिए 6.2 के साथ 6.2, अब इसको हल कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 × 6 = 7, पूर्णांक तोड़ देना है 7/3 हो जाएगा, 3 × 6 = 7, 7/3। यहाँ पर भी आपको पूर्णांक तोड़ देना है, देखिए 2 × 6 = 12, 12 × 1 = 13, ऊपर में हो जाएगा 13 और नीचे 2। अब यहाँ पर इसको क्या करिएगा, हल करिएगा। देखिए यहाँ तो कटेगा नहीं कोना कोनी, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए ऊपर 13 × 7 = 91, ऊपर में हो जाएगा 91, और देखिए नीचे में 3 × 6। अब यहाँ पर जो है ना 91/6 को पूर्णांक के रूप में लाइए तो भाग देना पड़ेगा 6 से, तो देखिए 6 × 1 = 6, 3 आ जाएगा, अब फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, अब यहाँ पर घटाने पर 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप पूर्णांक के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, 15.1/6, भागफल को पहले लिखना है, शेषफल को ऊपर में लिख देना है, और यहाँ पर भाजक को नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15.1/6 किलोमीटर, तो इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे फिर अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 2.3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ग का प्रत्येक भुजा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे वर्ग का एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 2.3। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग का एक भुजा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा गुना भुजा, ये होता है। तो देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 2.2/3, तो लिखेंगे 2.2/3, और यहाँ पर देखिए भुजा तो वही वाला मान लिखना है, 2.2/3। अब यहाँ पर सिंपली आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्णांक तोड़िए, 3 × 6 = 6 और 2 = 8, ऊपर में जोड़ देना है, नीचे 3 है 3 लिख देना है, गुना 3 का पड़ा दो बार पढ़िए, 3 × 6 = 6 और 2 = 8, जोड़ देना है ऊपर में और नीचे 3 है 3 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 8 को 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 8 × 8 = 64, नीचे गुना करने पर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इसको भाग लगा के पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। देखिए 64 को अगर आप 9 से भाग लगाइए तो कितना होगा, देखिए 9 × 7 = 63 हो जाता है, 4 × 3 = 1 आ जाएगा, यहाँ तो 6 × 6 कट जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते हैं, मतलब पूर्णांक में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, 7.1 चल जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, 7.1/9 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7.1/9 मीटर आंसर।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का जितना भी सारा क्वेश्चन बचा हुआ था तो इस वीडियो में हम लोग सब पूरा एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।